सब इंतजाम क्या बन जाए थोड़ा भी नहीं क्या रखो तो बहुत सारे और ये खास तोहफा इटली आपके लिए लेके आई। लुक नाइस कटिंग। अच्छा उस दिन तो तेरी वजह से मैं इन्हें अपने घर नहीं ला पाई। थैंक यू। हाँ वो रीज़न यही है कि एक चीज़ हुई थी डिस्कस तित्ती और गर्ल के बीच में गिफ्ट्स को लेके कि दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो गिफ्ट्स एक्सचेंज होंगे वो कैसे होंगे और क्या क्या होंगे, तो उन चीज़ों को लेके गर्व थोड़ा सा वैसा था कि यार आई नो तुम्हारी फैमिली है मेरी फैमिली है सबके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, बट तित्ली वो चीज़ मानती नहीं है और वो बोलती है नहीं नहीं जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कर दो, दोनों खुश रहेंगे बट वो चीज़ एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो नहीं पाती है, गर्व थोड़ी सी अपनी चला लेता है वहाँ पे कि नहीं यार मैं कर देता हूँ हेल्प लेट मी हेल्प, तो तितली को ये बात थोड़ी अच्छी लगती नहीं है तो वो रूम में लेके आती है गर्व को, तो फिर वहाँ बातचीत होती है देन गर्व एक्सप्लेन करता है कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, फिर भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है तितली और गर्व के बीच में। ऑनेस्टली जब पूरी फैमिलीज होती है तो ऑब्वियसली बड़ा मज़ा आता है, सारे लोग होते हैं बहुत सारे मजाक चल रहे होते हैं किस्से चल रहे होते हैं तो वही सारे मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं हम एज अ फैमिली बिकॉज सेट पे काम करते करते हम ऑलमोस्ट फैमिली बन जाते हैं एक साथ, तो दोनों फैमिलीज एक साथ ही तो अच्छा लग रहा था इट्स अ ग्रेट, मतलब होता है सारे फंक्शंस वगैरह भी तो बैक टू बैक होने वाले हैं तो और ऐसा जलप हो रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।